हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स कैटिट्यूड। बहुत दिनों के बाद, या मैं कहूँ कि बहुत महीनों के बाद मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पे वीडियो लेके। अभी मिंत्रा से मैंने कुछ ऑर्डर किया था, उनका फेस्टिव सीजन सेल कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे ही सेल चल रहा है, तो मैंने इस बार काफ़ी सारी शॉपिंग की है। तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो भी बैकग्राउंड है अजीब सा, उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं और मैं बालकनी में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नॉइज भी मिले, तो आप प्लीज उसको भी इग्नोर कर देना। आज मैं मिंत्रा से, मुझे जो भी प्रोडक्ट्स आज रिसीव हुए, मुझे 4-5 कुर्ता सेट रिसीव हो चुका है, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो या गाइस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप जाके वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दो और साथ में घंटा भी दबा दो। और अगर वीडियो पसंद आएगा ना, तो लाइक बटन भी दबा देना और मेरे वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप वो घंटा बटन दबा के जाते हो। तो ये ना मैं पूरा ऐसे कॉपी में लिख के लाई हूँ कि क्या क्या है और मीन्स कपड़ों की क्या क्या डिटेल्स है, उनका प्राइस एंड ऑल, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। तो ये है पहला कुर्ता, जो कि ब्रांड है विशुद्ध। यस, विशुद्ध से ये है उनका ये पहला कुर्ता। ये कुर्ता है रेड कलर का। एक्चुअली ये एग्जैक्टली मैं कहूँगी लाइट थोड़ा सा रेड है। इस पर ये डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही एथनिक प्रिंट डिज़ाइन है ये। गले पे कुछ ऐसा, नेक पे काम हो रखा है, कुछ ऐसा दिखता है। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और नीचे में ये बॉर्डर डिज़ाइन भी हो सकता है। एम्ब्रॉयडरी नहीं है, एम्ब्रॉयडरी जैसा अपीयरेंस आ रहा है, बट एक्चुअली ये प्रिंटेड है। और ये मुझे मिला है 724 रुपीज़ का। इसकी MRP तो अभी भी टैग लगा हुआ है, मैंने हटाया नहीं है, 3399 लिखा हुआ है। MRP पे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, आपको हमेशा ये सेल पे बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। और इसमें जो साइज़ है मेरा वो है स्मॉल। आप साइड में देख सकते हो कि इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी है। अनारकली कुर्ता का ये लुक दे रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है फेस्टिव सीजन के लिए। अगर आप फेस्टिवल वगैरह में पहनोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। रॉयल लुक टाइप का अपीयरेंस ओवरऑल आ रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें फ्लेयर है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्लेयर नहीं है, एज यू कैन सी इसमें ठीक ठाक फ्लेयर है, जो कि एक अच्छा लुक, कंप्लीट लुक आपको देता है। मैंने इसके साथ चोकर भी पहना हुआ है, क्योंकि इसका जो ये डिज़ाइन है राउंड नेक डिज़ाइन, इसके साथ ये चोकर बहुत अच्छे से जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड इसके साथ ये जो दुपट्टा मिला है, मैं दुपट्टा की बात करना चाहूँगी। दुपट्टा इज़ वेरी 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 सुंदर, प्रिटी। ये दुपट्टा इतना ज़्यादा पूरे सूट को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका फैब्रिक तो इतना प्योर ऑर्गेनिक कॉटन जैसा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस सूट के साथ। एंड एट द सेम टाइम ये जो प्लाजो है, प्लाजो पैंट है, उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है, लाइट कलर में है ये, ऐसा है। इस पर भी एथनिक फ्लोरल प्रिंट डिज़ाइन टाइप बना हुआ है। ओवरऑल जो मुझे ये जो सूट है विथ प्लाजो एंड द दुपट्टा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो द नेक्स्ट कुर्ता जो ये है सांगरिया ब्रांड का। बगल में आपको फोटो दिख रहा होगा, वेबसाइट पे मेंशन है कि ये ब्राउन कलर का है, बट ये ब्राउन कलर का नहीं है, ये चारकोल कलर का है, विच इज़ काइंड ऑफ डार्क ग्रे कलर। ये लेज कलर का है बेसिकली। इस पर ये येलो कलर का डिज़ाइन बना हुआ है, विच इज़ अ बांधनी डिज़ाइन। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बांधनी पैटर्न या फिर डिज़ाइन। एंड इसमें ये मैंडरिन कॉलर के साथ राउंड नेक डिज़ाइन है, एंड पूरे नेक पे ये गोटा पट्टी का काम दे रखा है, जो कि थोड़ा सा और एथनिक और अच्छा लुक देता है पूरे कुर्ता में। जो साथ में जो धोती पैंट्स आई हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके के कुर्ताज के साथ। ये सांगरिया ब्रांड का है एंड मुझे ये मिला है 476 रुपीज़ का, मीन्स अंडर ₹500, इतना सस्ता। और ये अभी आपको अगर आप देखोगे तो, मैंने अभी चेक किया था ये वीडियो बनाते वक्त, कि ये 300 समथिंग का कुछ मिल रहा था। सो ये बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल ये जो आपको लुक देगा, काफ़ी कम्फी लुक देगा। मैं इसी तरीके के कुर्ता सेट आजकल पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर दिया है, तो मेरा टमी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया है। तो अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो आपका टमी भी बहुत ज़्यादा हाइड हो जाता है, तो इसीलिए मैं इस तरीके के कुर्ता सेट ही खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड लिबास। मुझे इस पीच कलर ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था,
ये जो कलर है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था एंड स्पेशली ये कॉटन में अवेलेबल था तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी एंड मुझे ये बाई करना ही पड़ा एंड मुझे ये मिल गया। ये वी नेक लाइन में है एंड आगे ये वाइट कलर की एम्ब्रॉयड्री लेस वर्क है, एम्ब्रॉयड्री नहीं है ये, यहाँ पे ये ऐसे पूरा लेस वर्क है। बाकी जो पूरा है वो प्रिंटेड है एंड इसमें जो स्लीव्स मिलेंगी वो बेल स्लीव्स हैं। ओवरऑल ये काफ़ी भरा भरा लुक देता है। अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है तो ये थोड़ा सा मेरे वेट को और ज़्यादा ही दिखा रहा था, बट मुझे ये कुर्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका जो फ्लेयर है, ओहो इसका फ्लेयर तो लाजवाब है, बहुत बढ़िया इसका फ्लेयर है एंड नीचे भी ये गोटा का काम दिया हुआ है। आई रियली लाइक द फ्लेयर। और जब मैं इसे बाई कर रही थी तो इसकी जो फ़ोटो देखी थी मैंने साइड पे, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसकी वजह से मैंने ये ख़रीदा था। द फैब्रिक इज़ प्योर कॉटन, मीन्स इतना बढ़िया कॉटन है इसका, बहुत बढ़िया फैब्रिक है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ ये पैंट्स आई हैं, पैंट्स भी सेम फैब्रिक में ही हैं, सेम डिज़ाइन में ही हैं एंड पैंट्स के साथ पॉकेट्स भी हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर पॉकेट मिलती है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एंड इनके दुपट्टा में भी प्रिंटेड वर्क दिया हुआ है, पूरा एथनिक लुक है, पूरा बॉर्डर में ये वाइट कलर का लेस दे रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ओवरऑल ये एक कंप्लीट लुक है, अगर आप इसे पहनते हो दुपट्टा आगे लेके या साइड लेके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक, कंफर्टेबल लुक देता है, समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये पड़ा है 986 का एंड इसमें मेरा जो साइज़ है दैट इज़ स्मॉल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये वाला भी ब्रांड लिबास से ही है और ये मैंने दशहरा पे पहनने के लिए लिया था, बट ये मैंने ऑर्डर किया था साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में एंड ये मुझे इतना ज़्यादा टाइट हुआ है, ये मुझे नहीं आया, मतलब आ गया था बट इट वाज वेरी टाइट, इसकी वजह से मैंने कोई फोटोज़ वगैरह कुछ नहीं डाला है। बट ये मरून कलर में है एंड फेस्टिवल सीजन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इसका जो हेम लाइन है वो थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है, आगे से शॉर्ट एंड पीछे से लॉन्ग है, इसमें ये इस तरीके का काम दे रखा है। फैब्रिक इज़ प्योर सिल्क, इसकी वजह से मैंने इसको दशहरे के लिए मंगाया था, ये इस तरीके का कुछ काम दे रखा है। ओके ये सिमेट्रिकल है, मीन्स आगे से ये छोटा है एंड पीछे से ये लंबा है। और इसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इसके साथ आई थी ये धोती पैंट्स, बहुत बढ़िया लग रहा था बट मुझे टाइट हो रहा था तो मैंने एक्सचेंज का सोचा तो, बट एक्सचेंज में स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं है तो मुझे लग रहा है मुझे ये रिटर्न ही करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई रियली रियली लाइक दिस वन, मुझे ये मिला है 809 rupees का, विच इज़ आई थिंक अ गुड डील। मूविंग ऑन टू द लास्ट कुर्ता, ये जो कुर्ता सेट है ये मैंने इस सेल में नहीं मंगाया, मैंने EORS सेल कभी चल रहा होगा तो मैंने मंगाया था, मीन्स मैं इसे काफ़ी ज़्यादा पहन चुकी हूँ एंड मैं इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहती थी क्योंकि ये भी लिबास ब्रांड का ही है एंड दिस इज़ सच अ कम्फर्टेबल कुर्ता, दिस इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल एंड ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है। इसमें भी ये वाइट वाइट लेस का वर्क दे रखा है जैसे उस पीच कलर वाले में दिया था, दिस इज़ ऑल्सो पीच कलर बट डिफरेंट है, थोड़ा सा कलर इसका अलग है। इसमें येलो कलर के इसमें ये फ्लोरल प्रिंटेड डिज़ाइन दे रखे हैं एंड सिल्वर कलर का वर्क भी दे रखा है। वर्क दिस ऑल आर प्रिंटेड एंड दिस इज़ ये जो वर्क है नेक पे, ये वर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सितारे वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी ये अवेलेबल है बट अक्सर ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाता है। इसके साथ मुझे पैंट्स मिले हैं जो कि बहुत ही सिमिलर पैंट्स हैं, सेम डिज़ाइन में हैं, सिल्वर वाला काम हो रखा है इस पर प्रिंटेड डिज़ाइन, इसमें पॉकेट्स भी हैं एंड इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा इज़ वेरी वेरी नाइस, दुपट्टा नेट का है, कॉटन का दुपट्टा नहीं है,
दुपट्टा इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओवरऑल मुझे ये कुर्ता सेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और मैं इसे बहुत ज़्यादा पहनती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल। इसका जो ओवरऑल जो फ्लेयर है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पहन के ऐसा लगता है कि यू नो अनारकली वाली फीलिंग कम्प्लीट इसमें आ जाती है। बहुत अच्छा खूबसूरत सा फ्लेयर दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल रहते हैं, आई थिंक एक है थोड़ा ब्लू कलर एंड वन इज़ समथिंग ब्राउन कलर या बेज कलर में अवेलेबल है, तो आप देख लेना। मैंने ये कुछ ख़रीदा था 1000 रुपीज़ के आसपास का, बट अभी भी ये सेल में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है। सो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये कुर्ता अच्छा लगता है तो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ वो इस कुर्ता सेट में, जो सबसे पहले मैंने आपको रेड कलर का दिखाया था, इसका जो फैब्रिक है वो उन्होंने बोला है कि प्योर कॉटन है। आई थिंक दिस इज़ नॉट प्योर कॉटन, क्योंकि प्योर कॉटन जो होता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग क्लोथ होता है। ये कॉटन है बट आई थिंक इट इज़ सम काइंड ऑफ मिक्स्ड कॉटन और ब्लेंडेड कॉटन, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा थिक है एंड इसमें कोई भी सी थ्रू वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक है वो उतना ज़्यादा एज अ कॉटन उतना पसंद नहीं आया, बट इनका जो दुपट्टा है, दुपट्टे का फैब्रिक इज़ जस्ट ऑसम, बहुत अच्छा फैब्रिक है इनका। सो या गाइस, दिस वाज ऑल। आई होप कि आपको मेरा ये हॉल वीडियो कुर्ता सेट का अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड या हैप्पी दशहरा।